नमस्कार, मैं कृष्ण बिहारी पाठक जन सरोकार मंच के इस आभासी पटल पर आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वार्ता को अर्थ प्रदान करने के लिए हमारे साथ हैं शिक्षाविद और साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर राकेश कटारा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। आज की वार्ता का हमारा विषय है शैक्षिक चिंताएं, उनके बीच एक विद्यार्थी और समाज और राष्ट्र। इस वार्ता को अर्थ प्रदान करने के लिए सारस्वत विद्वान आदरणीय डॉक्टर राकेश कटारा जी हमारे साथ हैं। यूं तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी इस मंच के माध्यम से मैं एक औपचारिक परिचय आपका गुणीजन और दर्शकों से कराना चाहूंगा। आदरणीय डॉक्टर राकेश कटारा जी संप्रति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्रीनगर अजमेर में कार्यरत हैं। आपने जीव विज्ञान से बीएससी की है। हिंदी साहित्य, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, इन तीन विषयों में आपने स्नातकोत्तर का डिग्री ली है और आपने एमएड जिसमें लघु शोध शामिल है किया है। इसके अलावा शिक्षा शास्त्र से आप नेट हैं और शिक्षा शास्त्र में आपकी डॉक्टरेट भी है। आपको 33 वर्षों का एक लंबा शिक्षण अनुभव है और मेरे लिए भी ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके सानिध्य में और मार्गदर्शन में मैंने आईएएससी अजमेर से एमएड किया है। तो मैं तो उस अनुभव से बहुत गुजरा हूँ और उसको अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपकी प्रेरणा और प्रभाव मेरे ऊपर है। शिक्षण विषय के रूप में आप बहुविध और बहुभाषाओं के ज्ञाता हैं। आप विज्ञान, मनोविज्ञान, हिंदी साहित्य, शिक्षा अनुसंधान और अर्थशास्त्र, इन विषयों के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। आपकी वार्ताएं, सेमिनार, संगोष्ठी निरंतर अच्छे अच्छे मंचों पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित होती रहती हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर आपकी शैक्षिक चर्चाएं, चिंतन लगातार प्रसारित होते रहते हैं और हम उनसे लाभान्वित भी हुए हैं। 50 से अधिक शिक्षा लघु शोधकार आपके निर्देशन में हुए हैं और 10 से अधिक स्कॉलर्स ने आपके मार्गदर्शन निर्देशन में पीएचडी की है। साहित्य और शिक्षा के विभिन्न विषयों पर आप निरंतर लेखन करते हैं और शैक्षिक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठियों में पत्र वाचन और शोध लेखन आपका निरंतर जारी है। तो ऐसे बहु प्रतिभा के धनी और मेरे तो विशेष रूप से आदर्श आदरणीय श्री कटारा सर का इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं ये बहुत गंभीर चर्चा की बात है कि युवा या एक विद्यार्थी, चाहे वो कोई सा भी देश हो, कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी राष्ट्र परिवार हो या कोई सा भी गांव हो, युवा पीढ़ी और विद्यार्थी उसका भविष्य कहलाता है। पर उस युवा व्यक्ति का खुद का भी अपना एक भविष्य होता है जिसको लेकर बहुत सारी चिंताएं उसके मन में होती हैं, जिसको लेकर बहुत सारी आशाएं आकांक्षाएं उसके परिवार वालों के बीच भी होती हैं। इन सब चीजों के बीच कई बार इस तरह की स्थिति आती है कि विद्यार्थी अपने कैरियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे एक मार्गदर्शन, एक निर्देशन और एक काउंसलिंग जिसको हम कहते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। और आज के समय में इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही हैं कि विद्यार्थी असमंजस में रहता है अपने भविष्य को लेकर, अपनी तैयारियों को लेकर। समाज उससे बहुत सारी अपेक्षाएं पाले हुए है, उसके ऊपर अपने साथियों का दबाव है, अपने परिवार का एक दबाव वो महसूस करता है। तो इन सब चीजों के बीच वो विद्यार्थी गुजरता है। तो आज इन्हीं चीजों पर हमारी चर्चा रहेगी, इन्हीं बातों पर। माता पिता जो होते हैं और अभिभावकों की अपेक्षाएं बच्चों के कैरियर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर उनके हित में ही होती है हमेशा, और माता पिता अभिभावक बच्चे का हित ही चाहते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि इस हित के अंतर्गत भी एक बच्चा अपने ऊपर एक दबाव महसूस करने लग जाता है और उस दबाव के चलते कई बार अप्रिय स्थिति भी आ जाती है सामने। तो मेरा प्रश्न यही है, आज की वार्ता की शुरुआत हम इसी प्रश्न से करेंगे कि माता पिता अभिभावकों को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में कि बच्चे पर अनावश्यक तनाव ना बने। देखिएगा, एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है सीमोंड जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति का समायोजन बिगड़ता है तो उसमें दो बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। एक तो उसकी व्यक्तिगत मांगें या आवश्यकताएं और व्यक्तिगत मान्यताएं, और दूसरा पक्ष होता है सामाजिक मांगें और सामाजिक मान्यताएं। जब इन दोनों के मध्य संघर्ष जितना ज्यादा बढ़ता जाता है, व्यक्ति उतना ज्यादा दबाव में आता जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब समायोजन बिगड़ता है तो व्यक्ति के अंदर अवसाद, नैराश्य, तनाव, द्वंद्व जैसे कई प्रकार के फैक्टर्स जन्म लेते हैं जो उसके ना केवल
भावी जीवन को अपितु संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम देखें तो वर्तमान में पारिवारिक जो मांगे हैं, जिसमें खासकर माता पिता या उनसे जुड़े हुए और भी पारिवारिक सदस्य, वो सामाजिक फैक्टर्स में आ जाते हैं और एक इंडिविजुअल होता है सेल्फ, व्यक्ति का आत्म, उसकी कुछ इच्छाएं अलग होती हैं। इन दोनों के मध्य चलने वाला जो द्वंद्व है, वह द्वंद्व व्यक्ति में एक प्रकार का तनाव पैदा करता है और व्यक्ति कई बार ये डिसीजन नहीं ले पाता है कि मेरे को किस ओर जाना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर वह तनाव उसे एकांतिक भाव की ओर ले जाता है और ये आइसोलेशन निश्चित रूप से उसको एक ऐसे ओरा की तरफ लेकर जाता है जहां वो ऐसा महसूस करता है कि उसका कोई भी सुनने वाला नहीं है, वह अपने मन की बात किसी को कह नहीं सकता है और इस संसार में कुछ भी उसके योग्य नहीं है और मैं संसार में किन कारणों से मौजूद रहूं, और वो धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को कम करने लगता है। तो निश्चित रूप से जब एक बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए माता पिता और परिवार के समस्त सदस्यों की जिम्मेदारी तभी निर्धारित हो जाती है कि हमें सबसे पहले उसकी क्षमताएं या एफिशिएंसीज महसूस करनी है। जैसे उदाहरण के लिए देखूं, आज लगभग सभी हमारे माता पिता के मन में ख्वाहिश होती है कि या तो बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बन जाए। इन तीन सेक्टर्स के अंदर माता पिता अपने समस्त परिश्रम को लगाते हैं, पूंजी को लगाते हैं और उनके साथ महत्वाकांक्षाओं को लगाते हैं। तो जब कोई बच्चा उस पूंजी के रोज बताए जा रहे उत्तरों के दबाव में, माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के दबाव में और अपनी सीमित क्षमताओं के दबाव में आ जाता है तो वो निश्चित रूप से कई बार गलत रास्ते पर चला जाता है। तो सबसे पहली एक जो बात है परिवार के स्तर पर जो माता पिता को सोचनी होगी वो ये है कि हम अपने बच्चे की योग्यताओं को, उनके कौशल को, उनकी क्षमताओं को, उनके क्षेत्रों को पहचानने की कोशिश करें और हम हर बच्चे से अपेक्षा ना करें कि वो डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा या प्रशासनिक अधिकारी ही बनेगा। आप देखिएगा विश्व के अंदर ऐसी महान हस्तियां हुई हैं जिन्होंने इन तीनों ही क्षेत्रों के अंदर अपनी शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त नहीं की हैं, ना किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया है, लेकिन अपने अलग अलग फील्ड के अंदर वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे नाम को कमा चुके हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या चाहे सामाजिक सरोकार के क्षेत्र हो। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो एक कहावत कही जाती है कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात, जो भविष्य के अंदर वृक्ष बनने वाला पौधा है उसके जो पत्ते दो हैं प्रारंभ में, वो ही ये बता देते हैं कि ये कितना ज्यादा पुष्पित होगा, पल्वित होगा, दीर्घायु होगा, विकसित होगा। तो हम उन क्षमताओं का आकलन बच्चे की बाल्यावस्था से ही करने लगे, न कि किशोर अवस्था में आते आते उस दबाव को बनाए जिस दबाव को लेकर वो नशे की लत को लेते हुए युवावस्था तक चला जाता है। तो माता पिता को इन जिम्मेदारियों को बहुत प्रारंभ से ही समझना होगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये बिंदु है कि जहां समायोजन का अभाव पाते हुए वो बच्चा एकाकीपन, अलगाव और वो अपने आप को जिस तरह से अन्य पूरे समाज से अलग एक जगह में पाता है और वहां अपना किसी कोई सम्मेलन नहीं देखता है तो वो उस तरह के रास्ते अपना लेता है। पर ऐसा भी कई बार देखा जाता है कि माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उस पर कोई इस तरह का दबाव नहीं डालते हैं, पर जब बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता मेरे साथ इस तरह की आशाएं और आकांक्षाएं पाले हुए हैं तब भी वह इस दबाव में आ जाता है, ऐसी स्थिति में क्या बच्चे के साथ होता है उस पर भी थोड़ा सा। नहीं देखिएगा परिवेश बहुत महत्वपूर्ण होता है, बच्चा कभी भी स्वयं दबाव में नहीं आता है, वह कई बार खुद महसूस कर रहा होता है कि चारों तरफ जो परिवर्तन हो रहे हैं और उन परिवर्तनों के अनुकूल वह नहीं ढल पा रहा है।
माता पिता की मैं आपको बता दूं, कभी भी प्रत्यक्ष अपेक्षाएं नहीं होती हैं या प्रत्यक्ष महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, लेकिन वह उन अपेक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को समाज के माध्यम से, रिश्तेदारों के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, पड़ोसियों के माध्यम से और भी कई अन्य माध्यमों से सुनता, समझता और जानता है। तो वह और कुछ भी नहीं, कई बार क्लासेस के अंदर टीचर्स भी बच्चे को इस प्रकार से कहते हैं कि आपके माता पिता आपको ये बनाना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं, तो उन कारण से वो एक व्यक्तिगत विचारधारा पैदा कर लेता है कि आपने गाना सुना होगा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा और बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन ये तो कोई ना जाने मेरी मंजिल है कहाँ। अगर उसकी मंजिल को पहचानने में उसके परिवार के सदस्य और उसके स्कूल के टीचर्स यदि मदद कर दें, तो निश्चित रूप से वो एक सही रास्ते पर चला जाता है, वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखिएगा, हमारे कोई बहुत सारे अच्छे स्कूल्स के अंदर कैरियर गाइडेंस और कैरियर काउंसिल्स जैसे बहुत अच्छे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके अंदर कई बार सरकारी वित्तीय पोषण भी रहता है, सरकारी सहभागिता भी रहती है और कई प्रकार के एनजीओज भी इसके साथ में जुड़कर रहते हैं। आप देखिएगा कि सरकार के द्वारा कई कोचिंग सेंटर्स को इस प्रकार से आदेशित किया गया है कि आप अपने यहाँ पर काउंसलर रखिए जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें, और बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स रखते भी हैं और बहुत सारे नहीं रखते हैं। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये गाइडलाइंस केवल काउंसिल्स या कोचिंग सेंटर्स के लिए नहीं है, अपितु स्कूल्स के लिए भी है। लेकिन यदि हम देखें तो स्कूल में हमारे पास इस प्रकार के कोई काउंसलर नहीं है जो बच्चों को गाइड करें, तो ये काम हम केवल टीचर से ही लेते हैं, और टीचर कई बार कई शैक्षिक या अशैक्षिक कार्यों के दबाव में इतना रहता है कि उसको इस मुद्दे की गंभीरता को समझने का मौका नहीं मिलता है। तो वो कई बार केवल प्रेयर सेशन में समायोजन को लेकर या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर या व्यक्तित्व विकास को लेकर एक औपचारिक रूप में एक लेक्चर दे देता है। तो आप देखिएगा कि ये चीज केवल व्याख्यान से समझने योग्य नहीं है, ये सारा की सारा जो निर्माण है वो आपसी वातावरण के द्वारा उत्पन्न होने वाला है और आचरण के द्वारा होने वाला है। तो जब तक एक समायोजित सुसंतुलित व्यक्तित्व हमारे सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि कुछ ऐसे भ्रामक विज्ञापन हैं जो उत्तेजक पदार्थों के द्वारा ये बताते हैं कि हमें ऊर्जा मिलती है या हमारा जोश बढ़ जाता है या हमें तनाव से मुक्ति मिल जाती है, तो युवा वर्ग है या किशोर वर्ग है सहज ही उस प्रकार के विज्ञापनों की ओर आकर्षित होता है और वह उसमें अपना समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। तो निश्चित रूप से स्कूल काउंसलिंग बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, बशर्ते वो केवल व्याख्यान के रूप में ना की जाए अपितु एक आचरण, व्यवहार और वातावरण के रूप में की जाए। स्कूल का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति अपने आप को खुश महसूस करे, एडजस्ट महसूस करे और विकास की क्या संभावनाओं के क्षेत्र हैं जहां मैं विकास कर सकता हूं, उसका उसे मार्गदर्शन मिलेगा, उसमें वो महसूस कर सके। आपने देखा होगा कुछ अच्छे स्कूल होते हैं तो वहां बच्चों को संगीत भी सिखाया जाता है, वहां बच्चों को घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, वहां बच्चों को खेलकूद की प्रतियोगिताएं भी सिखाई जाती हैं, वहां वाद विवाद भी होता है, वहां कहानी लेखन भी होता है, काव्य वाचन भी होता है, इस प्रकार कई चीजें होती हैं। तो क्या हम उसमें सर्वगुण विकसित करना चाह रहे हैं इसलिए है कि ये सारी चीजें, ये इसलिए नहीं है, इनके माध्यम से हम बच्चे के अंदर छिपी क्षमताओं की पहचान करवाना चाह रहे हैं कि बच्चे को कौन सा फील्ड अच्छा लगता है तो वो उस एरिया में उतर जाए आगे, वो अपनी पहचान कर ले कि मेरे लिए सूटेबल एरिया कौन सा है। और दूसरा क्या होता है, एक मनोविज्ञान में पद्धति होती है, उसे बोलते हैं विरेचन की पद्धति। विरेचन में क्या होता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कई ऐसे अवसाद छिपे हुए हैं जो भविष्य में बहुत बड़ा मनोरोग उत्पन्न करेंगे, एक पागलपन पैदा करेंगे, एक क्रोध या हिंसा पैदा करेंगे, तो उसका समय पर निवारण और निराकरण हो जाना जरूरी है। तो उसके विरेचन के लिए संगीत भी है, लेखन भी है, खेल भी है, वाद विवाद भी है, तर्क भी है, प्रेयर सेशन भी है, कई चीजें हैं उसके अंदर। तो जब तक हम, मैंने जैसे शुरू में निवेदन किया, एक वातावरण निर्मित नहीं करेंगे कि बच्चे अपनी क्षमताओं को पहचान सकें
और अपने विकास के क्षेत्र को पहचान सकें, तब तक वह भविष्य की चुनौतियों को समझने, उनसे संघर्ष करने और उनका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए इन चीजों पर स्कूल्स में भी बहुत अधिक कार्य होना चाहिए और पारिवारिक क्षेत्र में भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य होना चाहिए, जिससे हम बच्चों को बहुत छोटे धरातल पर ही मजबूत कर निखारें। पहले स्तर पर जब बच्चा परिवार और माता पिता के बीच रहता है, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि माता पिता को बचपन के साथ ही उसकी क्षमताओं, उसके कौशल, उसकी योग्यताओं पर नजर और एक तरह की पहचान रखनी चाहिए और उसी अनुरूप उससे आशाएं आकांक्षाएं रखनी चाहिए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि विद्यालय स्तर पर उसको एक काउंसलिंग और एक वातावरण निर्माण जो सैद्धांतिक ना होकर व्यावहारिक हो, गतिविधियों पर आधारित हो, उसकी क्रियाकलापों पर आधारित हो, ऐसा वातावरण उसको दिया जाए जिससे वो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। इस बीच में परीक्षा, जिसको हम आज विशेष तौर पर आजकल इन दिनों देख रहे हैं कि प्रतिशत अधिक से अधिक अंक लाने की एक दौड़ इस समय चल रही है, वहां पर वो सारी चीजें जहां हम कहते हैं वाद विवाद है या शैक्षणिक गतिविधियों में गीत संगीत है, प्रश्नोत्तरियां हैं, खेल कूद है, ये सब कहीं ना कहीं एक साइड लाइन हो गई है और वो मूल रूप से एक अकादमिक अंकों की जो दौड़ है वो चली आ रही है। ऐसी स्थिति में बच्चा क्या करे? देखिएगा, अंकों की दौड़ रटने को प्रोत्साहित करती है और हम शिक्षा जगत के अंदर रटने को लर्निंग नहीं मानते हैं, रटने को लर्निंग नहीं मानते हैं। उदाहरण के लिए, हम ट्रेनिंग देकर एक हाथी को सर्कस में नचा सकते हैं, घोड़े को दौड़ा सकते हैं, शेर को आग के गोले में से निकाल सकते हैं, तो हम बच्चों को रटाकर और ट्रेनिंग देकर क्या सर्कस का कोई जानवर बनाना चाह रहे हैं क्या? और दूसरी चीज ये होती है कि हम उसके अंदर अंतर्निहित शक्तियों की उसको पहचान कराकर वो वास्तव में क्या वजूद रखता है और कौन सा उसके फ्यूचर के लिए एरिया है, उसकी पहचान कराने में मदद करने वाला व्यक्तित्व बन सकते हैं। इसके लिए प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत छोटी एज से स्टार्ट हो जाती हैं। प्रैक्टिस ऐसे हो सकती है, हम बच्चों को ये कहें कि भाई आप अपनी कमियां बताएं, क्या क्या कमियां हैं, और आप अपनी खूबियां बताएं कि आप में क्या क्या खूबियां हैं, और उसको लिस्टेड कर लें कि भाई मेरे में क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या खूबियां हैं। इन कमियों और खूबियों को लेकर बच्चे आपस में एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएं, चिढ़ाएं नहीं। अब किन कमियों को आप हटाना चाहते हैं और उसको हटाने के लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, वो टीचर गाइड करें, माता पिता गाइड करें, और उन खूबियों को वो आगे बढ़ाना चाहता है तो कौन से प्लेटफॉर्म्स या चैनल्स उसको मिल सकते हैं, तो उससे जो बड़े मित्र हैं या भाई बहन हैं या रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, टीचर्स हैं, वो मदद करें कि वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जहां वो अपनी क्षमताओं को निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं। आजकल तो आपने देखेगा कि बहुत अच्छा समय है कि बहुत सारे रियलिटी शोज होते हैं, उन रियलिटी शोज के माध्यम से वो अपनी खेल प्रतिभा को, गायन की प्रतिभा को, नृत्य की प्रतिभा को, वादन की प्रतिभा को, बिजनेस करने की प्रतिभा को एक मंच दे सकता है, और बहुत सारे से चैनल्स बने हुए हैं। तो इन चैनल्स के बारे में, इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में गाइड करना हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो जब इन प्लेटफॉर्म का पता होगा तो उसको पता लगेगा कि इन प्लेटफॉर्म्स पर उसके नंबरों को तो देखा ही नहीं जा रहा है कि उसने 10th में क्या नंबर लिए या 12th में क्या नंबर लिए या इस कॉम्पिटिशन में वो कितने नंबर से पास हुआ या फेल हुआ या आगे रह गया या पीछे रह गया, क्योंकि वहां आपकी व्यक्तिगत क्षमताएं हैं, वही आपकी विकास की संभावनाओं के द्वारों को खोलती हैं। और मैंने आपसे से पहले भी निवेदन किया कि विश्व की महान से महान विभूतियों को, अलग अलग क्षेत्र की विभूतियों को आप उठाकर देख लीजिएगा, उनके यदि आपके अंक देखने हो तो उनके अंक तो पासिंग मार्क्स रहे हैं और फेलियर रहे हैं स्कूल्स के अंदर, और जो स्कूल्स में फेलियर्स रहे हैं उन्होंने विश्व के रंगमंच पर बहुत असीम ऊंचाइयों को छुआ है और मील के पत्थर के तौर पर सदियों तक हम उनके नाम जानते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं। एडिसन का नाम आपने सुना होगा, अगर शायद एडिसन का बल्ब नहीं बना होता तो आज की चकाचौंध वाली दुनिया इतनी नहीं होती, लेकिन एक वो बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व नहीं था, जेम्स वॉट था, वो एक बहुत ज्यादा नंबर लेने वाला स्टूडेंट नहीं है, या आप
और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं उनके नाम लेंगे, बहुत सारे चित्रकार हैं उनके नाम लेंगे, तो ये बहुत अच्छे अंक वाले विद्यार्थी नहीं रहे हैं। और आप यदि आज की बात छोड़िए, पहले की बात यदि हम करें, तो पहले तो इतनी अंकों की प्रतिस्पर्धा ही नहीं थी और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स भी नहीं थे, लेकिन जिन लोगों ने अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखा उन लोगों के नाम आज हम साहित्य में भी याद रखते हैं, आज उन लोगों के नाम हम वैज्ञानिक क्षेत्र में भी याद रखते हैं, और उन लोगों के नाम हम जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर याद किए हुए रखते हैं। तो हमें बच्चों के दिमाग से इस बोझ को हटाना होगा कि ये सारा खेल अंकों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। और यदि आप देखें, प्रतियोगी परीक्षाओं को प्रारंभ जब 1986 की नीति के तहत किया गया था, तो उस शिक्षा नीति में यही कहा गया था कि हम उसके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या 10th 12th में आने वाले मार्क्स से उसकी नौकरी की प्राप्ति की जो दौड़ है उसको हटाना चाहते हैं। इसलिए 10th के 12th के या ग्रेजुएशन के नंबर को गौण कर दिया गया और प्रतियोगी परीक्षा के ऊपर निर्भरता बढ़ा दी गई। और प्रतियोगी परीक्षा का मतलब भी हमने अंकों से ही जोड़ दिया, जबकि प्रतियोगी परीक्षा का अभिप्राय क्षमताओं से है, जिसमें आपकी वहां क्षमताएं निकाली जाएंगी, निखारी जाएंगी और उन्हें चेक किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि धीरे धीरे हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं भी हैं वो ज्यादा से ज्यादा रोट लर्निंग पर आधारित हो गई हैं, रटंत विद्या पर आधारित हो गई हैं। और इसलिए क्या हो रहा है कि विद्यार्थी केवल अंक प्राप्ति को और रटने को महत्व दे रहा है, तो इस चीज को उसे छोड़ना होगा, क्योंकि रटने की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है और नकल करने की उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, और नैराश्य भाव से नशे में डूब जाने के बाद अपने जीवन को जीने की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो इस सत्य को समझते हुए जो उम्र ज्यादा होती है वो क्षमताओं की होती है, कौशल की होती है, दक्षताओं की होती है और विकास की संभावनाओं के आकाश को देखने की होती है। जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने ये बात बताई कि अकादमिक अंक केवल और केवल बच्चे के रटंत को तो बता सकते हैं, पर उसकी क्षमताओं का, उसके कौशल का, उसकी प्रतिभा का आकलन उन अकादमिक अंकों की दौड़ में कहीं नहीं है। और ये बात बच्चों के साथ साथ समाज और अभिभावकों को भी समझना बहुत आवश्यक है कि अकादमिक अंकों की दौड़ से बच्चों को इस तरह न दौड़ाएं और उनको एक मुक्त चिंतन युक्त जीवन प्रदान करें, जिसमें वो अपनी क्षमताओं का पूरा आकाश छू सकें, अपनी क्षमताओं का, अपने कौशल का पूरा विकास कर सकें। एक शब्द शैक्षिक चिंताओं के बीच आता है, पीयर प्रेशर, और बच्चे इस पीयर प्रेशर यानी अपने साथियों का जो उनका समूह है उसमें भी अपने आप में कहीं ना कहीं उनके अंदर एक दबाव रहता है। ये पीयर प्रेशर क्या और किस तरह से बच्चे की विकास में बाधा के रूप में आता है, इस पर भी सर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिएगा, पीयर प्रेशर हमेशा वो महसूस करेगा जिसके दृष्टिकोण के अंदर द्वंद्व चलेगा। दो प्रकार के एटीट्यूड होते हैं, एक होता है नेगेटिव और एक होता है पॉजिटिव। और जो दो प्रकार के दृष्टिकोण साथ लेकर चलता है किसी प्रोफेशन के प्रति या किसी फील्ड के प्रति, तो निश्चित रूप से क्या होगा, अपने समूह के दबाव में आएगा, क्योंकि कई बार माता-पिता इतनी अपेक्षा नहीं डाल देते हैं जितना कई बार समूह डाल देता है। तो समूह के इस प्रेशर से बचने का एक सबसे अच्छा मूल मंत्र है आशावादी दृष्टिकोण का विकास। बहुत बड़ा मंत्र है, अगर इसको याद रखे बच्चा तो उसका जीवन बदल सकता है। और आशावादी दृष्टिकोण का विकास यह बताता है कि मेरे लिए कई फील्ड खुले हुए हैं। उदाहरण के लिए, मैं आज शिक्षा अधिकारी नहीं तो एक बहुत अच्छा टीचर हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा अगर टीचर नहीं तो मैं बहुत अच्छा लेखक हो सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा लेखक नहीं तो बहुत अच्छा गायक हो सकता हूँ, बहुत अच्छा गायक नहीं तो मैं बहुत अच्छा भाषण देने वाला हो सकता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपकी संभावनाएं हैं, लेकिन उसको मैंने पहले भी जैसे कहा कि पहले तो खुद महसूस करें और दूसरा हमारे जो पास में पीयर ग्रुप के लोग हैं वो अपनी इस जिम्मेदारी को समझें कि उसकी संभावनाओं को गाइड करें, उसकी संभावना को संक्षिप्त करते हुए या केवल एक मार्गीय करते हुए उसके लिए दबाव का कार्य नहीं करें। क्योंकि
क्योंकि देखिएगा जो सच्चा मित्र होता है वो कड़वा बोलता है, सच बोलता है, तेज बोलता है, गुस्सा भी दिखाता है, तो उस चीज को वो लेने वाला उसको फिर प्रेशर में नहीं ले, क्योंकि झूठी तारीफ से ज्यादा अच्छा है कि कोई गुस्सा कर हमारे को कड़वा सच बोल दे। तो जो कड़वा सच यदि बोला जा रहा है पीयर ग्रुप के द्वारा तो वो तनाव के रूप में नहीं होगा। कबीर साहब हमारे फरमाते हैं, आज कबीर जयंती भी है और उन्हें याद कर लें अपन, कि जो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है वह कौन है, तो वह हमारा पीयर ग्रुप ही है जो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है, और उसको हम दूर नहीं भगाएं या हम उससे दूर नहीं जाएं, तो उसके लिए तो हम क्या करें, आंगन कुटी छबाए, उसके लिए क्या करें, निकटता बनाकर रखे, इतनी निकटता बना के रखी भाई उसके पास अगर छाया या घर नहीं है तो उसको छान हमारे घर के आसपास ही डाल दो। तो क्या है, वो पीयर ग्रुप आपके लिए क्या कर रहा है, एक फीडबैक देने का काम कर रहा है। वहां वो शब्द जरूर निंदक काम में ले लेते हैं, लेकिन उस निंदक शब्द का मतलब गलत नहीं है, अपितु क्या है, फीडबैक देने वाला, समालोचक। तो जो समालोचक होता है या फीडबैक देने वाला होता है उसको हम स्थान कहाँ देंगे, पीयर ग्रुप में ही देंगे, और उसको कहाँ रखना है, निकट रखना है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो आपका जो व्यक्तित्व है और फ्यूचर का जो आपका प्रोफेशनल एरिया है उस चीज को बिल्कुल क्लियर कर देता है पीयर ग्रुप। पर ये डिपेंड आप पर करता है कि आप उसको एज ए प्रेशर ले रहे हैं या एज ए मोटिवेशन ले रहे हैं। तो आप हमेशा कह रही है कि प्रेशर को भी मोटिवेशन के रूप में लेकर चलिए, और उसका मैंने आपको मूल मंत्र स्टार्टिंग में बताया था, दृष्टिकोण हमेशा आशावादी रखिए। ये बहुत अच्छा और रचनात्मक समाधान आपने बच्चों के बीच पहुंचाया है इस माध्यम से, कि बच्चों को एक तो सदैव हर स्थिति में अपने आप को आशावादी दृष्टि के साथ रखना चाहिए, और पीयर प्रेशर को प्रेशर से और मोटिवेशन की ओर वो उसमें जाए इस रूप में, कि यदि उनके साथ ही उनमें कोई कमी बता रहे तो वो एक फीडबैक है और उसको वो सुधारात्मक रूप से देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कमियों को बताने वाला जो फीडबैक होगा वो हमें अपने आप में आगे कहीं ना कहीं समृद्ध करेगा यदि हम उस पर मोटिवेशनल के रूप में काम में लेंगे, और यदि हमने उसको एक नकारात्मक रूप से सोचा, उस ढंग से सोचा, तो निश्चित रूप से वही होगा जो निराशा की ओर जाता है। तो हमें उसको आशावादी दृष्टि से देखना है और इस सुधार की दृष्टि से देखना है, क्योंकि मित्र होंगे वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे, भला ही कहेंगे। और बहुत अच्छा आपने कबीर जयंती का उल्लेख किया, और ये वाकई सर्वकालिक दोहा उनका है कि निंदक नीरे राखिए, उनको निकटता की बात जो कही गई है वो इसीलिए कही है, और इसकी आज के समय में कबीरदास जी भी इसलिए बार बार प्रासंगिक होते हैं कि उनकी हर बात कालजयी रूप में सामने आती है, हर समस्या के समाधान के रूप में हमारे बड़े कवियों की बातें आती हैं। एक बच्चा अपना भविष्य शिक्षक की देखरेख में निकालता है, और एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है उसके भविष्य के निर्माण में, भविष्य क्या उसका वर्तमान भी शिक्षक ही बनाता है। तो ऐसे में जब बच्चा अपने समाज की ओर देखता है, परिवार की ओर देखता है, अपने साथियों की ओर देखता है, उसे शिक्षक से कुछ आशाएं रहती हैं। शिक्षक में वो एक रास्ता तलाश करता है कि शिक्षक से मुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा, तो शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी और जिम्मेदाराना हो जाती है। तो शिक्षक की भूमिका को लेकर सर आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए हमारे यहाँ तो शिक्षक को शिक्षक ना कहकर गुरु कहा गया है, और यदि अगली पूर्णिमा हम यदि कहें तो गुरु पूर्णिमा की ओर ही जाएंगे, हम कबीर से गुरु पूर्णिमा तक चलेंगे। और शिक्षक को पूर्ण चंद्र बताया गया है, और 16 कलाओं से युक्त या तो ईश्वर है या उसका प्रतिनिधि संसार के अंदर है तो वो शिक्षक है। इसलिए हम शिक्षक को ही कह देते हैं, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। कई लोग इसको ईश्वर से जोड़कर देख देते हैं, तो ईश्वर और गुरु हमारे यहाँ पर एक सिक्के के दो पहलू बताए गए हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर हम तो ये कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर। तो जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे समाज में आ रही है कि हमारे समाज में रोजगार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है, सरकारी या निजी क्षेत्र में किसी विद्यालय में सेवा देने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक हो गई है, किसी डिग्री या किसी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा चयनित शिक्षकों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, किंतु जिस भारतीय सांस्कृतिक परिवेश के अंदर
गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरे की संकल्पना की गई है, इस प्रकार के शिक्षकों की संख्या निरंतरता से ह्रासोन्मुखी है, निरंतर कमी होती जा रही है। शिक्षक के अंदर तीन दक्षताएं होनी चाहिए, ब्रह्मा के समान सृजन करने की, विष्णु के समान पालन पोषण करने की और महेश के समान संहार करने की। शिक्षक अज्ञान का संहारकर्ता बने, शिक्षक नवीन ज्ञान का सृजनकर्ता बने, ज्ञान को विद्यार्थी के मन मस्तिष्क और आत्मा तक पहुंचाने के लिए सृजनहार बने और वो सृजन तुरंत नष्ट नहीं हो जाए, दीर्घकालीन पोषण मिले, उसके लिए वो विष्णु बने। तो जब यह व्यक्तित्व और आचरण एक शिक्षक के अंदर आएगा तो वो निश्चित रूप से शिक्षक ना रहकर गुरु की पदवी पर पहुंचेगा, और जब वो गुरु की पदवी पर पहुंचेगा तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ विद्यार्थी जब स्कूल जाते हैं प्राइमरी सेक्शन में खासकर, तो वो गुरु की उसी मूर्ति को अपने मन मस्तिष्क में स्वाभाविक आत्म स्वरूप में लेकर जाते हैं और वो टीचर को एज ए ब्रह्मा विष्णु और महेश ही देखते हैं। इसलिए कई बार आप एक पहली क्लास या दूसरी क्लास के छोटे से बच्चे को कुछ कहिए घर में कि ऐसा नहीं ऐसा कर ले, तो वो सीधा मना करेगा, नहीं मेरे टीचर ने ये कहा है, मेरे टीचर ने जो कहा है मैं तो वही करूंगा, आप जो कह रहे हो वो मैं नहीं करूंगा। तो इसका मतलब है कि एक मार्गदर्शक गाइड काउंसलर टीचर शिक्षक या गुरु के रूप में समर्पित होने की क्षमता नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने उसे प्रदान की है और वो पूर्ण समर्पण से उस गुरु के पास में सीखने के लिए आता है। अब उत्तरदायित्व हो जाता है गुरु का कि मुझे उसको ऐसे मोल्ड करना है कि उसमें चारित्रिक गुणों का, नैतिक गुणों का, मानवीय गुणों का, उसके भविष्य के प्रोफेशनल गुणों का विकास हो, उसकी क्षमताओं को पहचाने। इसको बात को मैं थोड़ी और सरल कर दूं, आप लोगों ने एक मेथड का नाम सुना होगा, किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड क्या है, जिसको आजकल लोग शॉर्ट में केजी कहते हैं और कई प्राइवेट स्कूल्स के अंदर केजी सेक्शन बना दिए हैं, एलकेजी यूकेजी एचकेजी इस प्रकार से। तो एक्चुअल में वो क्लास नहीं है, एक मेथड का नाम है। और जब उस मेथड को दिया गया तो उस मेथड के प्रणेता ने ये कहा कि किंडर और गार्टन अर्थात छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हम किस रूप में देखें, बीज रूप में देखें। जिस प्रकार से एक माली होता है वो बीज की पहचान कर लेता है कि इस बीज को मुझे रबी की फसल के टाइम डालना है या खरीफ की फसल के टाइम डालना है या किस महीने में इसको बोना है, इसको कितनी खाद देनी है, कितना पानी देना है, कितनी छाया देनी है, कितनी धूप देनी है, उसके अकॉर्डिंग उसका वो पोषण करता है। और निश्चित रूप से जब उस रूप में उसका पोषण किया जाता है तो वो बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, फल देता है, समाज के लिए उपयोगी बनता है। वही सेम पैटर्न किंडरगार्टन मेथड के माध्यम से स्कूल्स के अंदर टीचर्स को प्रारंभिक कक्षाओं से ही अपनाना होगा। वहां क्लास में जब वो अटेंडेंस ले रहे हैं तो उनके लिए वो केवल रोल नंबर नहीं है या एक लड़का या एक लड़की नहीं है, अपितु भविष्य की अपार संभावनाओं से युक्त कई प्रकार के प्रोफेशनल्स वहां बैठे हुए हैं, कई प्रकार की भविष्य की स्किल्स वहां बैठी हुई हैं, कई भविष्य के कई प्रकार के वहां पर व्यक्तित्व बैठे हुए हैं और उसकी पहचान करने की जिम्मेदारी किसकी है, टीचर की, कि भैया इसमें बहुत अच्छा टीचर कौन बन सकता है, इसमें बहुत अच्छा डॉक्टर कौन बन सकता है, इसमें बहुत अच्छा पुलिस वाला कौन बन सकता है, बहुत अच्छा किसान कौन बन सकता है, व्यापारी कौन बन सकता है। उन संभावनाओं के मुताबिक पीटीएम में पेरेंट्स को गाइड किया जाए कि इस बच्चे में इस प्रकार की संभावनाएं हैं, तो आफ्टर एलिमेंट्री एजुकेशन इसको जब सेकेंडरी एजुकेशन के फील्ड में आप ले जाते हैं तो आप इन सब्जेक्ट से इसको गाइड करवाइए, इन सब्जेक्ट्स को, इन एरिया को पढ़ने का मौका दीजिए जिससे ये और ज्यादा इनरिच हो उस एरिया के अंदर और फ्यूचर के अंदर उसी चीज को अचीव करे जिस चीज का बीज लेकर ये संसार में पैदा हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे समाज में,
कि वो बीज तो किसी चीज का लेकर पैदा हुआ है, अब उसको खाद पानी वातावरण कोई और सा मिल रहा है, उसको माली कोई और प्रकार सा मिल रहा है, और उसको किसी और एरिया में जाकर डेवलपमेंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं। अब आप सोचिए वो क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या है, टीचर को टीचर बनने का प्रयास करना होगा और उसको अपनी टीचर्स की संभावनाएं और टीचिंग प्रोफिशिएंसी जो है उनको पहचाननी होगी। जब तक वो उनकी पहचान नहीं करेगा तब तक वो बच्चों को छांट नहीं पाएगा कि हमारी क्लास के अंदर ये बच्चे जो बैठे हुए हैं वो किन संभावनाओं के हैं, और उनको वो गाइड नहीं कर पाएगा। और फिर वो भविष्य में क्या होगा, वो बच्चे सारे के सारे बच्चे एक ही किसी कोचिंग पर मिलेंगे कि सभी डॉक्टर बनने गए या सभी इंजीनियर बनने गए या सभी आरएएस या आईएएस बनने के लिए गए हुए हैं। तो ऐसी चीज नहीं है, है ना। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर उंगली की संभावना एक है। और यदि काट के आपने पांचों को बराबर कर दिया ना तो आप बहुत सारी स्किल्स खो देंगे जो उंगलियों के द्वारा होती है। तो हम हर उंगली का सम्मान करें, हर बच्चे का सम्मान करें, हर बच्चे की क्षमताओं का सम्मान करें, हम उसके नंबरों का सम्मान नहीं करें और हम उसके रोजगार के क्षेत्र का सम्मान नहीं करें, क्योंकि हर रोजगार का क्षेत्र सम्मान नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई हमारे सफाई कर्मचारी सड़क साफ कर रहा है तो उसका प्रोफेशन क्या असम्माननीय है क्या? नहीं है। अगर वो सफाई करना बंद कर दे तो हमें पता लग जाए, शहर में हुई गंदगी बता देगी कि कितना असम्माननीय हमारी सोच है। इसका मतलब है हर प्रोफेशन के प्रति श्रद्धा और कर्म के प्रति श्रद्धा विकसित करना टीचर को सिखाना होगा और उसके लिए पहले खुद सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब आपने एक सफाई का ये उदाहरण दिया तो मुझे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वो वक्तव्य एक ध्यान आता है कि जहाँ एक माता कह रही है कि कचरे वाला आ गया, तो वो बच्चा कहता है कि कचरे वाला, कचरे वाले तो हम है, ये तो सफाई वाला है। तो हमें यही सोच विकसित करनी होगी, वास्तव में कचरा उन लोगों के पास है जो सामने वाले को कचरे में देखते हैं। एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पर उसके साथ ही आपने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि शिक्षक पहले वो स्वयं शिक्षक बने, उस भूमिका में उतरे, तब वो उन भूमिकाओं को पूरी कर पाएगा जो उसको ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में हम परिभाषित कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आवश्यकता इस बात की भी है कि जो शिक्षक है वो पेशे से नहीं, अपने कार्य से भी शिक्षक बन जाए, अपने व्यवहार से भी शिक्षक बन जाए, अपनी रुचि और संस्कार से भी शिक्षक बन जाए, तब वो शिक्षक की चरितार्थता पूर्ण होगी। और यदि ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम जो आगे बात करते हैं कि बच्चा युवा अवस्था में या किशोर अवस्था में जिस प्रकार के दबाव और तनावों के बीच आता है वो शायद हो ही ना, वो कभी जन्मे ही ना, क्योंकि परिवार में माता पिता और विद्यालय में शिक्षक, ये एक ढाल के रूप में बच्चे को वो परिवेश, वो वातावरण, वो संस्कार और रुचि प्रदान कर सकते हैं कि बच्चा बहुत खुशी खुशी के साथ अपनी क्षमताओं से न्याय कर सके और देश और राष्ट्र के लिए वो अपना सर्वोत्तम प्रदान कर सकेगा। आप मनोविज्ञान के विशेषज्ञ हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष इस समस्या, क्योंकि ये समस्याएं मनोविज्ञान से बहुत गहरे संबंध रखती हैं, इसलिए आपने मनोवैज्ञानिक पक्ष को बहुत बारीकी के साथ यहाँ विश्लेषित किया, मैं इसके लिए तो आपका विशेष आभार दूंगा ही। और एक शिक्षक के रूप में आपका एक बहुत बड़ा लंबा अनुभव है, तो एक शिक्षक के रूप में भी आपने इस पर चर्चा की। आप एक शिक्षा अधिकारी भी हैं और ऐसे में प्रशासन या शिक्षा व्यवस्था की क्या भूमिका इन चीजों पर रहती है, उस पर भी प्रकाश डालें सर। देखिएगा, अगर आप लगभग आज से 10 साल पहले का प्रशासनिक ढांचा देखें हमारे राजस्थान का, तो उसमें एक जिले के अंदर एक या दो जिला शिक्षा अधिकारी होते थे और बहुत बड़े जिले की संरचना होती थी और उस जिले के अंदर उनको मॉनिटरिंग करना होता था। तो ये संभव ही नहीं था कि वो इतने बड़े जिले के लगभग सभी स्कूलों को एक साल में टच भी कर लें। उन वो कई बार अपने पूरे जीवन काल में भी सभी स्कूलों का अवलोकन कर उन्हें सम्मलन नहीं दे पाते थे। सरकार ने इस चीज को बखूबी समझा और निश्चित रूप से आजकल जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनको ब्लॉक लेवल तक बैठाया गया, जिससे कि मॉनिटरिंग है वो बहुत सुदृढ़ हो और बहुत तीव्र हो और जो आदेशों की पालना और सरकारी अपेक्षाएं हैं उनका धरातल पर यथार्थ रूप मूर्त रूप में आए, ये तेजी से हो। साथ ही उन्होंने एक चीज और करी कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के रूप में उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर पर भी मॉनिटरिंग को प्रभावी बनाने के लिए एलिमेंट्री लेवल के जो स्कूल्स हैं उनके ऊपर भी एक अधिकारी वहां बैठाया। तो आप देखिएगा कि एक सरकार के द्वारा किया गया प्रयास बहुत अच्छा है, जिसके द्वारा जब तक हम अपनी मॉनिटरिंग को प्रभावी नहीं बनाएंगे
तब तक बच्चे की जो अपेक्षाएं हैं उसकी पूर्ति ना तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रसंग में जहां हम बच्चे को केंद्रीय स्थिति में जब देखना चाहते हैं तो उसकी उसके भविष्य निर्माण में, उसके कैरियर में और एक राष्ट्र के लिए किस तरह वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सके, इस सब में परिवार और माता पिता से और अभिभावकों से जो बात शुरू होती है उसमें समाज की, परिवार की, शिक्षक वृंदों की और प्रशासन की सभी की भूमिका रहती है। और वे सभी अपनी भूमिकाओं को यदि अपने न्यायपूर्वक पूरा करें तो निश्चित रूप से बच्चे के साथ वो न्याय कर पाएंगे। मैं जो बात कह रहा था कि हम जब तक प्रशासनिक ढांचे का विकेंद्रीकरण नहीं करेंगे और मॉनिटरिंग प्रभावी नहीं होगी तो निश्चित रूप से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंट और फायदा बच्चों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आज जब हम स्कूल्स में जा रहे हैं, यदि मैं मेरे ही ब्लॉक की बात करूं तो एक साल में लगभग मैं सभी स्कूल को टच कर लेता हूं और लगभग सभी स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, और सभी जगह जाकर बच्चों से सीधी बात कर लेता हूं, टीचर से सीधी बात कर लेता हूं, प्रिंसिपल से बात कर लेता हूं, हेडमास्टर से बात कर लेता हूं और उनकी क्या कठिनाइयां हैं और किस तरह से सरकार के किस योजना के माध्यम से वो उन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं उस बारे में मैं गाइड कर सकता हूं। तो निश्चित रूप से क्या है, एक शिक्षा अधिकारी के रूप में एक मुखिया की भूमिका हो जाती है और वो मुखिया क्या करता है कि अपने अधीनस्थ समस्त अभिकरणों को पोषित और पल्लवित करने के लिए बहुत अच्छा गाइड का काम करता है। आप कभी महसूस कीजिएगा कि जब पहली से बारहवीं के स्कूल में आप हैं और जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी आपको पहली से पांचवीं में मिलेगी, क्योंकि पहली से पांचवीं के जो बच्चे हैं वो सहज होते हैं। तो जब प्रशासनिक अधिकारी अपने प्रशासन के बड़े से बड़े पद को भूलकर छोटे से छोटे स्कूल में सहज भाव से जब बच्चे को मिलता है और बात करता है और उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वहां निर्देश देता है, मार्गदर्शन करता है, तो बच्चों को ये महसूस होने लगता है कि मेरे को बड़े होकर डॉक्टर ही नहीं बनना, इंजीनियर ही नहीं बनना, मैं टीचर भी बनना चाहता हूँ और शिक्षा अधिकारी भी बनना चाहता हूँ। तो मेरा मानना है कि एक रोल मॉडल हम क्यों नहीं बन सकते, पड़ोस में जो लोग हैं वो क्यों नहीं बनना चाहते। तो ये बहुत बड़ी भूमिका होती है एक प्रशासक की और शैक्षिक प्रशासक के रूप में जो भी अधिकारी है उसकी, कि वो स्कूल में जाकर केवल शैक्षिक दस्तावेजों को देखकर उसमें ही मार्गदर्शन या संबलन प्रदान ना करे अपितु आत्मीय रूप से विद्यार्थियों से और शिक्षकों से जुड़कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी संबलन प्रदान करे। तो निश्चित रूप से कई प्रकार के जो समाज में मेल एडजस्टमेंट के केस हैं, कुसमायोजन के केस हैं, नैराश्य के केस हैं, अवसाद के केस हैं, उनको हम रोक सकेंगे और बच्चों को एक बहुत सुकून भरा वातावरण भविष्य के जीवन के लिए दे सकते हैं। हाँ जी, और कोई प्रश्न? आपने अपनी प्रश्न तो अनवरत आपसे करने का मन इसलिए है कि आपसे बहुत ज्यादा समृद्ध मैं हुआ हूँ, अपने विद्यार्थी काल में तो मैं रहा ही हूँ, इसके अलावा समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी मुझे मिलता है और ये जिन जिन बातों पर चर्चा हो रही है उन पर इतने रचनात्मक समाधान जिस तरह से आपने प्रस्तुत किए हैं, वाकई ये मैं कहूंगा एक आदर्श और एक व्यवहारिक दोनों रूप में सामंजस्य के साथ है। आदर्श तो इसलिए है कि ये वास्तव में अपने उच्च स्तर पर पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ ये इनका अनुप्रयोग होना आवश्यक है, और व्यवहारिक इसलिए है कि यदि हम थोड़ी सी इच्छा शक्ति रखें, थोड़ी सी आशा अनुदा रखें तो इन सबको व्यवहारिक धरातल पर लाया जा सकता है। मैं तो निरंतर आपसे जुड़ा हुआ हूँ इसलिए कई बार आपको देखता हूँ कि विद्यालय में जाकर आप एक अधिकारी रूप में प्रवेश करते हैं और सीधे आप कक्षा कक्ष में चौक और बोर्ड पर लिखने बैठ जाते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। तो ये संवाद बहुत बड़ी आवश्यकता है, बच्चों के बीच जाकर शिक्षा अधिकारी या प्रशासनिक वर्ग यदि उनसे संवाद करेगा तो बच्चों में निश्चित रूप से वो मनोभाव आएंगे। ताकि जब आप शिक्षा अधिकारी के रूप में विद्यालयों में आपको मैं भी देखता हूं तो आप सबसे पहले कक्षा कक्ष में जाते हैं और चौक उठाकर बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं, अभी भी इन दिनों भी मैं देखता हूं। तो ये एक बहुत बड़ा संबलन और संवाद का एक उदाहरण आपके माध्यम से सबके बीच पहुंचता है। अंत में तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप
क्योंकि इस आयोजन को बहुत से गुणीजन अभी भी देख रहे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में भी ये सुरक्षित है, यूट्यूब पर तो हमेशा चलता रहेगा। तो विद्यार्थियों से आप क्या विशेष बात कहना चाहेंगे, आज के विद्यार्थियों से, आने वाले विद्यार्थियों से, आपकी ओर से एक संदेश? बहुत अच्छी वार्ता रही, निश्चित तौर पर ये वार्ता हम सबका मार्गदर्शन करेगी, है ना। और सर का जो इतना व्यापक अनुभव है वो हम सबको काफी मदद करेगा। और जो आपने ये बात कही कि जन सरोकार का मुख्य उद्देश्य है कि संवाद का जो कल्चर है, संवाद की संस्कृति है, इसको ये बनी रहे, क्योंकि हम एक दूसरे के अनुभवों से ही सीखते हैं। तो आज के विद्यार्थियों के लिए कुछ आप संदेश देना चाहें? हाँ हाँ, विद्यार्थियों के लिए मेरा संदेश ये है कि जीवन के अंदर कभी भी निराशा को इस कदर हावी ना होने दें कि आप जीवन के अनुपम उपहार को लात मारकर उसका अपमान कर दें, क्योंकि जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं। तो ये जो जीवन है वो महाभारत है, इसमें रोज नए प्रकार के प्रपंच आएंगे, रोज नए प्रकार के षड्यंत्र आएंगे, रोज नए प्रकार के गीता के उपदेश आएंगे, रोज नए मार्गदर्शन आएंगे, रोज नए संबंध मित्र बनेंगे और रोज नए संबंध हैं वो आपके दुश्मन पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तो इसका समदृष्टा होकर कृष्ण की दृष्टि विकसित करते हुए, मस्तिष्क के अंदर दृष्टा भाव विकसित करते हुए आनंद में और अपने कर्म को बिना किसी लाग लपेट के तटस्थ भाव से करते हुए जाएं और विद्यार्थी विद्या का अर्थ ग्रहण करते जाएं, ना कि उसे रटकर अंकों की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को किसी खामोशी या निराशा के गर्त में ले जाएं। यही संदेश है। मैं आभार देना चाहूंगा सर का और उन सभी गुणीजन दर्शकों का जो हमसे जुड़े रहे, और निश्चित रूप से ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम सर से फिर समय लेंगे और एक और बार सर को समय लेकर सबके बीच रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं दर्शकों से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर, आपका आभार।